और वुड का। 2016 में मुंबई में हमने एक एंटरटेनमेंट की कंपनी बनाई और हमारी काफ़ी बड़ी ऑफिस बनाई हमने, ये सोचते हुए कि एंटरटेनमेंट में भी हम काफ़ी अच्छा नाम करेंगे। डिजिटलाइजेशन आना था, ये सब चीज़ों पर हम ऑलरेडी पहले R&D कर रहे थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जिसमें हमने सनी जी को साइन किया, हमारी काफ़ी बड़ी टीम थी। सनी जी से हमने कहा कि भी हम नए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी से बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डेट देंगे। उन्होंने जो फीस मांगी हमने वो फीस एग्री कर ली, जैसे उन्होंने कहा हमने उनको पैसे दे दिए। बट हमें नाउ अब रियलाइज ये हुआ काफ़ी बार कि वो सिर्फ हमसे पैसे लेना चाहते थे और हमारा काम नहीं करना चाहते थे। इनिशियली उन्होंने हमसे 4 करोड़ रुपए में एक फिल्म साइन करी 2016 में, 1 करोड़ रुपए एडवांस ले लिया। उसके बाद 1 करोड़ रुपए और ज़बरदस्ती हमसे ले लिया, उसी टाइम पे हमने दे दिया। उसके बावजूद उन्होंने हमारी पिक्चर को ना करके एक पोस्टर बॉय थी श्रेय तलपड़े जी की, वो करी, जो कि हमारी शूटिंग उनको दिसंबर और जनवरी में करनी थी और सारे काम हमारे प्री प्रोडक्शन के जो भी उनसे रिलेटेड थे वो उनको पूरे करवाने थे अक्टूबर तक, 2016 तक। बट फिर उन्होंने फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया। फिर हम उनसे जैसे तैसे 2017 अप्रैल में मनाली में जाके मिले, तो उन्होंने बोला कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे बेटे की पिक्चर के लिए मैंने जी से कोई एग्रीमेंट कर लिया है पल पल दिल के पास, मैं उधर से उसका भी काम करता हूँ और आपका भी करता हूँ। उसके बाद तो फिर उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी। उनके यहाँ एक सुनील सैनी जी हैं, उनसे ही हमारी बात होती रहती थी। ऐसे करते करते उन्होंने 2019 निकाल दिया कि अब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। 19 में बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट अब पुराना हो गया, ये डायरेक्टर में दम नहीं है, स्टोरी में दम नहीं है, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, आप नया सब्जेक्ट ले आइए। मजबूरन हमें नया सब्जेक्ट ढूंढना पड़ा। सब्जेक्ट ढूंढने में भी वो इतनी परेशानी करते थे, हम अच्छे अच्छे डायरेक्टर लाते थे वो उनको रिजेक्ट कर देते थे, सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देते थे। अंत में उन्होंने, सुनील सैनी जी ने ही हमारी मदद करी, उनके जो ऑफिस में थे उन्होंने एक कोई एड पिक्चर बना रहे थे, विशाल विवेक चौहान उनको साइन कराया और एक दीपक वेंकटेश को। फिर हमने दोबारा से 2020 में प्रोजेक्ट चालू किया, उन्होंने फिर वही 2022 में 2 साल लगा के कि अब ये डायरेक्टर ठीक नहीं है, ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, बिना सुने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने 2022 में उनको बोला कि भाई देखो हम आपके साथ कर नहीं सकते, आप बताओ करना क्या है। तो बोलते ठीक है मैं बताता हूँ। फिर मिलना बंद, उनका एक गगन था जिससे हमारे दशरथ राठौड़ जी हैं हमारी कंपनी के जो बॉम्बे से रिप्रेजेंटेटिव करते थे, तो हमने उनको कहा ना तो हम डायरेक्टर लाएंगे ना हम राइटर लाएंगे, आपके पास कोई बाउंस प्रोजेक्ट है तो आप बता दीजिए, हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने हमें अगेन मार्च में फ़ोन किया राठौड़ जी को, उनके ऑफिस से राठौड़ जी गए, समझ के आए, एक राम जन्मभूमि करके प्रोजेक्ट उनके पास आया हुआ था, उसका राइटर मनोज नोटियाल और उसी ने ही सब्जेक्ट वो लिखा था। तो हमारे राठौड़ जी को भी ठीक लगा, बट वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से आज प्रोजेक्ट बिल्कुल 100% तैयार है, मैं 1 जून से इसकी शूटिंग कर दूंगा। तो इन्होंने मेरे को बॉम्बे बुलाया, मैं बॉम्बे आया तो मेरे को सन्नी जी ने बोला कि मेरे बेटे की शादी है, अब ये पिक्चर तो आप और हम कर ही रहे हैं, आप मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। तो मैंने उनको 50 लाख रुपये दे दिए, एक एग्रीमेंट हमारा ड्राफ्ट हो गया। जो उनको हमने पहले पैसे 4 करोड़ रुपये फीस देनी थी, उन्होंने कहा कि अब मेरी फीस थोड़ी सी ज़्यादा लेता हूँ मैं, तो हमने कहा भी हम आपको पहले अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से हम आपको 2 करोड़ रुपए पहले दे देंगे, प्रॉफिट हम बाद में लेंगे। तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को मेरे सामने साइन करवाया, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, मेरे भी ऑफिस के आदमी थे, दशरथ राठौड़ जी थे। उस एग्रीमेंट को मैं, उन्होंने एक पन्ना ही चेंज कर दिया, 4 करोड़ की जगह 8 करोड़ फीस कर दी और 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कर दिए। जब हमने 50 लाख रुपए दे दिए तो उन्होंने, उनके ऑफिस के बंदे ने वो एग्रीमेंट पैक करके 2 दिन के बाद हमारे राठौड़ जी को दे दिया, राठौड़ जी ने वो हमारे दिल्ली पहुंचा दिया। जब हमने उसको पढ़ा, खोला, तो हमने उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया और एक मेल डालना लग दिया कि तुम्हारे पैसे फोरफिट हो गए। उसी एग्रीमेंट में, जो कि हमारा साइन नहीं हुआ हुआ, सन्नी जी का साइन हुआ हुआ है, उसकी कॉपी चाहे तो हम आपको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हमारे पास है अभी। मतलब वो बेसिकली काम करके कोई पैसे नहीं लेना चाहते, सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं हर कंडीशन पे, और वो ये समझते हैं कि भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते, और वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और MP हैं, और वो यूनिनोमियस
हमें 8 साल हो गए आज पैसे दिए हुए, करो हमने 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था, हमारा सारा का सारा 25 करोड़ रुपए जीरो कर दिया मेरे पास, जिसका वाइट में पूरा अकाउंट है। 4-5 करोड़ रुपए हमने ऑफिस में बनाए, सैलरीज में चले गए, खुद सन्नी जी ने 7 करोड़ रुपए के आसपास तो लोगों को बंटवा दिया जो जिनके एग्रीमेंटों में लिखा हुआ है। तो हम बहुत, हमारा नुकसान हुआ, समय गया, और जो हमने एक सपना देखा था कि हमें यहाँ आके काम करना है, उससे हम डिफीट हुए। फिर हम थक हार के जब हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, हमने जो अभी थर्ड प्रोजेक्ट किया उसके लिए स्टूडियो फिल्मिस्तान भी बुक कर दिया था, उसको भी पैसे दिए हुए हैं इन्होंने, जैसे ही वो एग्रीमेंट की कॉपी आई और हमने इनको फोन पे बताया, उसके बाद से इन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। उसी पिक्चर को फिर एक दूसरे आदमी से भी फिर फर्दर साइन करके पैसे ले लिए, और उसने तो सेट बना दिया, तो उसकी शूटिंग पर भी नहीं आए। तो मेरा आप लोगों से ये दरखास्त है कि भी जो मेरे को भी एक, मैं कानून को मानने वाला हैवी टैक्स पेयर हूँ, मेरे को भी जस्टिस दिलाने में आप लोग मदद करें। जो सन्नी जी ने गलत किया है तो उसके लिए उनको सजा मिले, और मैं यही चाहता हूँ कि आगे से कोई मेरी तरह इनोसेंट आदमी उनके इस जाल में ना फंसे। और हमारी नॉलेज से हमें ये भी पता चला है, हमने अपने फोरेंसिक से पता किया है एक दो लोगों से जो हम कर सकते थे, इनके पास कम से कम इनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ये लोगों से लिए बैठे हुए हैं आज तक, जिनका काम नहीं किया। लेकिन इस लाइन में कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता, वो इंडस्ट्री उसको डिफीट कर देती है, कोई और आदमी उससे काम नहीं करना चाहता। लेकिन हमने ये इसलिए डिसीजन लिया कि भाई हम तो, चलो हमारा लॉस हुआ, समय का लॉस हुआ, बट किसी और भाई का ना हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ रेगुलेशन आए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपसे वर्ड कहे वो 101% सच है, और सबके मेरे पास मेल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं, मैंने कोई कैश में किसी को पैसे नहीं दिए, और बहुत हमारा डैमेज किया इन्होंने। हम वुड में थोड़ा सा मार्केटिंग करना चाहते थे कि भी इस पिक्चर के द्वारा हमारा वो बिजनेस भी सफ़र किया इससे काफ़ी, और हमने लॉन्ग अवेट करके, ये नहीं है कि ओवरनाइट में डिसीजन लिया, हमने 2016 से लेके 2023 तक जैसा उन्होंने कहा, जब जैसे कहा वैसा मानते हुए, बाद में जब हमें लगा कि ये कुछ नहीं है और ये अब चीटिंग के साथ फर्जरी पर भी आ गए हैं कि एग्रीमेंट भी गलत बनाने लगे हैं, तब हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, और अब हम आपकी, हमें जस्टिस चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है, हम अशोक सर से मिले, और हमने अपनी सारी बातें अशोक सर को बताई। थैंक यू। कि आज कोई भी एग्रीमेंट बनता है, अगर आपके सामने साइन होता है एग्रीमेंट, तो आपको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि आपके सामने अगर उसने साइन किया है और वो कह रहा है कि मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप कहीं उसमें पन्ना चेंज कर देंगे उसका। अब इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है। चलिए हम उसको भी एक बार पीछे रख देते हैं, मगर ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, ऐसा कईयों के साथ हुआ। यहाँ तक कि जैसा मैंने आपसे कहा कि एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने कम से कम जो है अपनी पिक्चर पे अब तक जो है 50 करोड़ लगा चुका है, 75% पिक्चर कंप्लीट है। सन्नी जी का सिर्फ 3 या 4 दिन का काम है, और सेम मोडस अपने उन्होंने अब नहीं है, और उस प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई थी तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने कहा, अशोक जी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं सुसाइड नोट आपके पास छोड़ के सुसाइड। यानी एक आर्टिस्ट जो है इस हद तक पहुंच जावे तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लेनी चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जब हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में इनके द्वारा कंप्लेन कराई, तो एक बार तो ऑफिसर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस वक्त जो है वो सिटिंग एमपी थे, पर साहब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो एमपी है, हमारे पे कहीं से भी दबाव आ सकता है या हमारे को क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उस कंप्लेन पर जो है भले हमारा स्टेटमेंट लिया गया, मगर जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए ऑफिसर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपना समाज का रुतबा, अपने पोस्ट के रुतबे से आप किसी से कुछ भी कर सकते हो, मगर आपको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं। मगर आज की तारीख में जो है प्रेस इतनी इंडिपेंडेंट है कि प्रेस के कारण ही जो है आज अच्छे अच्छे लोग जो है वो बिहाइंड द बार हैं, क्योंकि प्रेस ने अपना रोल जो है बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और उन चीज़ों को एक्सपोज किया है, और वही कारण है कि आज अच्छे से अच्छा इंसान जो है वो बिहाइंड द बार है, भले ही कितनी भी बड़ी पोस्ट की हो।
मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनका एक्सपीरियंस तो और भी वर्ष है, चलिए गौरव जी अपना 25 करोड़ भूल सकते हैं, मगर हर आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपना 25 करोड़ भूल जाए और इंसान जो है वैसे ही वैसे बैठा रहे। और इसी वजह से जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए उसके बाद जो है उसने उन्होंने पुलिस ने जो है नोटिस भेजी है। इस नोटिस की और एक खासियत बता दूँ, इस नोटिस में उनको बुलाया गया था एक्सप्लेनेशन के लिए, मगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भेजा कि आज की तारीख में मैं बॉम्बे के बाहर हूँ, जबकि हमने पता किया तो उस दिन वो बॉम्बे में ही किसी की शूटिंग कर रहे थे। यानी अब इससे अधिक और छूट क्या हो सकता है। मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो अपना एक्सपीरियंस सुनाए। मैं सुनील दर्शन, लगभग 40 साल करीब मैं सिनेमा फिल्में बना रहा हूँ और उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का हूँ, पैदाइशी इस फिल्म इंडस्ट्री का हूँ, 64 साल का हूँ और 64 साल में से 64 के 64 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में बिताए हैं थ्रू जेनरेशन। और हमारा एक मेरे फादर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे पहले, और फिर एक सेंट्रल इंडिया और सर्किट्स के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर रहे, और हमारा बहुत बड़ा इक्विपमेंट का बिजनेस भी था यहाँ पे उस जमाने में जब इक्विपमेंट्स बहुत रेयर होते थे इंडिया में। अभी तो सब कुछ आप कैमरा शेयर से खरीद लेते हो, लेकिन उस जमाने में 300% ड्यूटी भर के आता था सामान ऑफिशियल। सनी देओल से पहले मिस्टर धर्मेंद्र जी हैं, उनके फादर, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुक रहे, उनकी कई फिल्में हमने डिस्ट्रीब्यूट की, उनसे एक एक बहुत अच्छे ताल्लुक हम समझते थे रहे। सनी देओल की पहली फिल्म बेदाग जो थी उस पर भी जो था हमारा कंट्रीब्यूशन था मेजर्स, में आपको गिना के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। उसके बाद उन्होंने घायल बनाए उस पर भी मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन था, फिर मैं कहूँगा मैं अपने मेजर्स नहीं गिनाना चाहता। बरसात बनाई जब उन्होंने बॉबी देओल को लॉन्च करने की उस पर भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं था। उसके अलावा मैंने जब अपना करियर एज अ फिल्म मेकर शुरू किया तो सनी देओल को अपनी पहली फिल्म में कास्ट किया अनिल कपूर के साथ, इंतकाम 1987-88 की बात है। उसके बाद दूसरी फिल्म बनाई लुटेरे जिसमें सनी देओल, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह वगैरह थे। उसके बाद मैंने खुद डायरेक्ट की अजय जिसमें सनी देओल और करिश्मा कपूर थे, और 10 साल में जब मैं 10 फिल्में बना सकता था तो मैंने 3 ही फिल्में बना पाया, क्योंकि सनी देओल के साथ काम करता था। और कहीं ना कहीं क्या होता, हम हिंदुस्तानी लोग कम से कम पुराने वाले जो थे, आजकल के लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं, समझदार ज़्यादा हैं, दिमाग से काम लेते हैं, हम लोग दिल से काम लेते थे इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक एलिजेंस, एक रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों की कदर बहुत करते थे। एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा फियास्को हुआ, जो मेरी गलती कहो या विश्वास कहो या भरोसा कहो, जो सनी देओल ने मेरे साथ खेला, और मेरे बहुत लंबे चौड़े पैसे, मेरा सारा किस्सा पब्लिक डोमेन में है तो मैं उसको ज़्यादा एलिसिट नहीं करना चाहूँगा। बहुत 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 धोखा किया मेरे साथ, आप यकीन करोगे कि मैंने उन्होंने कहा पैसे लेने के बाद, कहा चलो आपकी फिल्म तो कर ही रहा हूँ तो कहानी सुनाऊँ, वही जो इन्होंने से बताया कैसे खींचने का। अब मैं उसके हर चाल समझने लग गया था तब तक। तो मैंने उनको एक फिल्म की कहानी बोली, हैदराबाद आकर मुझे कहानी सुना, वहाँ गया तो उनको कहानी सुनाई मैंने। कहानी सुनने के बाद उस आदमी ने क्या कहा मालूम है, सुनील ये कहानी ठीक नहीं, तो हमें उस पर और मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे तो खुद ही ले चुका था। तो मैंने यार मेहनत करनी पड़ेगी, कितना धोखा दे रहे हैं। उस कहानी का नाम वो है, वो फिल्म है जिससे अक्षय कुमार का आज का 25 साल का करियर खड़ा है, उस फिल्म का नाम था जानवर। उसकी नियत देखते हुए मैं सोचा चलो, उस वक्त वो फाइनेंशियल, वो हमेशा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहता है, बैंक का भी पैसा कहाँ दिया है अभी नहीं, वो रहता है नियत होती है देने की, नहीं तो मेरे पैसे देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं सर, पैसे हैं उन्हें नियत। 100 करोड़ बैंक का आज तक भी नहीं दिया एमपी बनने के बावजूद भी। उसके फादर धर्मेंद्र जी बहुत बुजुर्ग हैं, उनके शान के खिलाफ मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, इसलिए उनका जिक्र इसके ऊपर नहीं करूंगा। कोर्ट गया, कोर्ट से मुझे
कोर्ट के इंडिया के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ऑफ इंडिया थे वो मिस्टर भरूचा, बहुत ही वरिष्ठ जज थे, और जस्टिस गौतम पटेल जो आजकल हैं वो सनी देओल की तरफ से लॉयर थे, मेरी तरफ से जो भी थे नाम नहीं याद रहते। तो वहाँ जस्टिस भरूचा को इसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है सुनील को लौटा देने के लिए, तो प्लीज़ मैं उसकी एक फिल्म में काम कर लेता हूँ। मैंने कहा, मैं जस्टिस भरूचा को समझाया, नहीं मैं नहीं करना चाहता सर। उन्होंने कहा, देखो इसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, ये जब मान रहा है, मेरे सामने मान रहा है, तो भाई वो तुम्हारा कोई गलत तुम्हारे साथ नहीं कर पाएगा, तुम इसकी प्रपोजल को फिर मान लो। ये 2007 की बात है। तो मेरे पास, मैं एक उनकी इज्जत, उनका सम्मान और उनकी बात पे विश्वास करके मैंने ओके कर दिया। एक अग्रीमेंट बनाया गया कि 3 महीने के अंदर उसको सब्जेक्ट ओके करना ही पड़ेगा, और उसके बाद 8 महीने के अंदर उसको फिल्म कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। वो 11 महीने गुजर गए, उसने मेरे से मेरा सब्जेक्ट जो था वो 90वें दिन पे सुन के, वो भी मुझे उसके पीछे पढ़ के सुनाना पड़ा, तब उसने ओके किया था। फिर 8 महीने तक मेरे से कहानी डिटेल्स डिस्कस कर रहा था, मेरे राइटर्स को मैं भेजता था जो मेरे एसोसिएट्स थे, और वरिष्ठ लोग थे, ऐसे नहीं कि कोई नए लड़कों को भेज रहा था, और एक्शन कोऑर्डिनेटर्स डिस्कस करता रहा, लेकिन फिल्म नहीं कंप्लीट की। एक दिन मुझे समझ आया कि तो 11 महीने गुजर चुके हैं, उसने फिल्म शुरू ही नहीं की, खत्म करने की तो बात दूर है। तो मैंने अपने वकील से नोटिस भिजवाया, जिसका उसने जवाब दिया कि मैंने कब कहा कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैंने ओके किया ही नहीं। क्यों? तो पूछा क्यों, बोले मैंने इसके डायलॉग्स कहाँ ओके किए, तो मैंने उसे कोई डायलॉग्स ओके कराने नहीं थे। लेकिन फिर ऐसे ही उसने चक्र में ऐसा होता डीगल जो है उसमें फंसा के मुझे घुमाता रहा, फिराता रहा, घुमाता रहा, और उसके बाद आज भी वो केस जो है 2016 के दिसंबर महीने में डबल बेंच में लगा हुआ है। देखिए डबल बेंच बॉम्बे कोर्ट की तो आदत, उससे ज्यादा आप लोग बेटर जान जाओगे। तो कोई हियरिंग नहीं हुई, ना वो पैसे देना चाहता है, ना नियत रखता है देने की। नहीं होते आदमी समझ सकता है कि यू बेयर विद द पर्सन। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 1996-97 जबकि वो सारे पैसे थे, उससे कुछ 2-4 साल पहले उसके फादर ने एक खंडाला में प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थी जितने पैसे मेरे से लिए थे उससे ज्यादा नहीं थी, कमी थी। उस प्रॉपर्टी को सुना था कि 2020 में एक मुंबई मिरर के फ्रंट पेज या बैक पेज पे एक स्टोरी आई थी कि कई कोई 200-250 करोड़ रुपए में इन्होंने किसी एमपी को, सनी देओल ने जो है वो किसी एमपी को बेची है, और बेचने के बाद फिर कोई बैक ट्रैक हो गया, कोई किस्सा लंबा चौड़ा, वो भी स्कैंडल हो गया था, पैसे ले लिए थे। दैट वाज फॉर 5 साल। हाँ जी, किसी को उसका पोर्शन बेचा था और वो एक्सेप्ट हो गया, वो केस अभी भी चल रहा है। इन्होंने लैंड ही नहीं दी उनको, लैंड नहीं दी, पैसे ले लिए उनसे कैश में, पैसे ले लिए और जमीन नहीं दी, अब बैकआउट हो गए। वो केस अभी भी जहाँ तक कैश का तो केस आदमी डाल के कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और ऐसे ही किस्सा, मैं तो लीगैलिटीज के बीच नहीं चलता था, लेकिन ऐसे ही चलता रहा, उसको होश भी नहीं, उसको याद, उसका तो ये है कि मैंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया, फलाने की जेब काट ली और आगे बढ़ गया है। एक और आपको बात बताऊं, सनी देओल के सारे किस्से के बाद 2006-5 में उनके एक एक सेक्रेटरी थे मिस्टर बाग सिंह, बहुत ईमानदार, पुराने जमाने के वफादार आदमी थे और ईमानदार थे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई बॉबी के करियर में कुछ लो चल रहा था पीरियड, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई अगर आप फिल्म बनाते हो तो आप बॉबी को क्यों नहीं दे देते। तो मैंने बॉबी को उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बॉबी के साथ, जिसमें उसने मेरी फिल्में करनी थी, सेट ऑफ फिल्म्स, और उसका कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज ये था कि जब तक वो मेरी फिल्में खत्म नहीं करेगा कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर सकता। बॉबी देओल ने मेरी फिल्म की बरसात, उसके बाद दोस्ती में काम किया तुरंत बाद, और तुरंत उसके बाद शाकल अहमद को 3 फिल्में बैक टू बैक की, मुझे उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उसने अपने पैसे मांगे, बस इतना कहा था कि मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सनी के पैसे मेरे पे एडजस्ट हो जाए। तो वो पैसे अपने ले गया, मैं वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर मैं आपको कहता हूँ, मैं उसके फादर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, वो सीनियर है। तो ये किस्सा जो है, ये मैं तो एक हूँ, और मैं तो फिर भी मैं समझता हूँ काबिल हूँ, यू नो। कितने लोग हैं जो इनके ओ में, इनकी वो हेलो में जो है फंस जाते हैं,
और अनगिनत लिस्ट है लोगों की। मैं एक गुजराती आदमी को जानता हूँ जो अब अमेरिकन इंडिया छोड़ के चला गया, वो इतना डिसिल्यूजन हो गया था यहाँ से। तो ऐसे तो कई हैं, और ये इनकी सनी देओल साहब जो हैं इनकी आदत सी है। और ये आपको इसलिए आई वॉन्ट यू पीपल, आई रिक्वेस्ट यू पीपल, मैं जानता हूँ बहुत आसान नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ एक है, आप शायद मुझे साथ देते हैं, लेकिन इनके पास बड़ी बड़ी फौजें हैं जो डिजिटल प्रिंट को हैंडल करती हैं, और वो मेरी आवाज़ को दबा देंगे। क्योंकि एक साल पहले किसी चैनल ने मुझसे बात की थी, और मैंने ये बात उनको जो सच जो आपको बता रहा हूँ वही उनको बताया था। तो मेरे उस वीडियो के ऊपर मुझे बहुत अब्यूज़ और स्लैश किया गया था, लेकिन देखिए ताकत कुदरत और सच्चाई की यह है कि अगर उन्होंने 100 आदमी मेरे खिलाफ लगाए तो 1000 आदमी जो थे उन्होंने मेरी तारीफ और मेरा सपोर्ट किया। तो इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बुराई को सपोर्ट मत कीजिए और कुछ नहीं। शुक्रिया। जब मैंने सुना होगा हिट हो गई, मगर गदर 2 में भी जो है, जो कि जी टीवी का प्रोडक्शन था, डेट अनाउंस हो गई थी, 15 दिन बचे थे और सनी साहब गायब हो गए, डबिंग नहीं की। लास्ट में जो है उनको ये कहना पड़ा हम किसी डबल से करवा रहे हैं, तब जाके उन्होंने आगे डबिंग किया और उसके लिए अलग से चार्ज लिया। वैसे ही जो है एक इसके पहले जी की फिल्म थी, उसमें जो है सनी जी जो है विदाउट डैडी के थे, और जानबूझ के फिल्म का कुछ 1 या 2 दिन का काम बाकी था, तो दाढ़ी बढ़ा के बैठ गए, बोले नहीं नहीं मेरी तो दूसरी पिक्चर में दाढ़ी की रिक्वायरमेंट है और मैं ये नहीं निकाल सकता। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सुभाष जी को और सनी को जो है संतरपुर जिसमें एक 5-star होटल थी जो बंद हो गई कोरोना के दरमियान, वहाँ पे दोनों को बुला के मीटिंग करवाई, और फिर कुछ एडिशनल लेन देन हुआ तब जाके उन्होंने वहीं शेविंग करवाई और उनकी 2 दिन की शूटिंग की। यानी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये और कुछ भी नहीं, एक एक्सटॉर्शन है। यू शुड बी अ प्रोफेशनल पर्सन, यू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन, जैसा इन्होंने कहा अभी बॉबी देओल के लिए। उनके जहाँ तक मुझे ख्याल है, जहाँ तक मैं उस परिवार को समझा हूँ, शायद उनकी वाइफ जो है वो सारी डेट्स वगैरह एडजस्ट करती है, एंड शी इज सो डिसिप्लिन कि अगर बॉबी देओल चाहे भी कि मैं आधी घंटा लेट जाऊँ तो वो खुद उनको पकड़ के गाड़ी में बैठा देती है, आप जाइए पहले शूट करके आइए। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसिप्लिन। धर्म जी के साथ मेरी वाइफ ने भी पिक्चरें बनाई है। मुझे याद है कि धर्म जी जो है वाली आप पर डे पे लो, उनका अगर टाइम 10 बजे का होता था तो 9:30 बजे पहुंच जाते थे, और आके एक ही बोलते दर्शन जी किसको बांटना है, यानी उनकी स्टाइल ही वो थी। मेरी वाइफ ने और एक पिक्चर बनाई थी, प्रोफेशनल किसे कहते हैं, जीतू जी के साथ पिक्चर बनाई थी उन्होंने, और आउटडोर में कहीं शूटिंग थी, उस वक्त वैनिटी वैन का इतना सिस्टम नहीं था, और जीतू जी को ड्रेस चेंज करनी थी नया सेकेंड सीन के लिए, कोई जगह नहीं थी। तो मिसेस बोलते हैं भाभी आप क्यों चिंता करते हो, झाड़ी के पीछे जाके मैं कर लूँगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। और जिस हिसाब से आप एक्सटॉर्शन करते हो वो डेफिनेटली वी कंडेम इट। और मेरे ख्याल से सौरभ जी से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है इनका जो काम देखते हैं उनका रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये 2 शब्द उसके लिए कहें। इनसे ज़्यादा इन्होंने क्या है और सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सुनने के साथ बात गया हूँ, और मीटिंग पे मीटिंग करते रहे, ये डायरेक्टर लाओ। मैं इतने डायरेक्टर लेके गया इनके पास, ये भी पसंद नहीं, और 3 डायरेक्टर उन्होंने खुद ने फाइंड किए थे, और तीनों डायरेक्टर के साथ साथ तीनों राइटर और सबको पैसे दे चुके, 3 दफ़े इन्होंने पैसे दिलाए, और अब लास्ट में आके जब इनकी इच्छा होती है तो फोन करना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, और ये और गुस्सा भी करते हैं। आप ऑफिस जाते हो, कोई बात होती है तो उनको गुस्सा भी आता है, डराते डराने की कोशिश करते हैं, ये भी वो काम करते हैं, क्यों हम गए थे वहाँ पे। तो हालांकि सौरभ जी बता चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं सफर ज़्यादा किया, 6-8 साल हो गए मुझे उनके साथ जाते हुए, सनी सर ये डायरेक्टर लाओ, दूसरा लाते हैं, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, इतनी मीटिंगें करा चुका हूँ मैं इनके सबसे, और 3 डायरेक्टर फाइनल करने के बाद में आज हम यहाँ आपके सामने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें साथ लाइए और आगे साथ यही करने वाले, लेकिन आगे दूसरे साथी दूसरे लोग ये सफर जो हम हुए वो रोकने को हम चाहते हैं,
बाकी सुनील जी बता चुके हैं, शोर जी बता चुके हैं, धन्यवाद। सर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सर देखिए एज पर प्रोसीजर उनको नोटिस गया है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट FIR लेंगे। और जहाँ तक सेक्शन का सवाल है, 420 तो बनता ही है, 409 इसलिए लगेगा कि वो एक प्रोड्यूसर के एजेंट है, उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा लिया जो नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो है, हम जो है हमारी रिक्वेस्ट, हमने जो हमारी सीनियर ऑफिसर से बात हुई है उसमें एक्सटॉर्शन का जो है हम लोग लगा रहे हैं, दिस इज नथिंग एल्स बट एक्सटॉर्शन। और जहाँ तक दूसरे प्रोड्यूसर का हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी हम लोग जो है उनसे स्टेटमेंट करवा देंगे कि वो कैसे एक इंसान को मजबूर करते हैं कि वो यहाँ तक सोच ले कि उसको सुसाइड करना पड़ेगा। तो अभी कोशिश चालू है, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया है, शायद दो चार दिन में हमें पुलिस स्टेशन से रिस्पांस मिल जाए और FIR हमारी होके आगे की कार्रवाई चालू हो जाएगी। सर आप काफी करीबी रहे हैं संजय जी, सर देखिए मेरे डेफिनेटली मैंने उनके काफ़ी मैटर्स किए हैं और मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट भी रहे उनसे, परंतु एज एन एडवोकेट हम सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लाइंट के मैटर्स की बात करते हैं, उसके अलावा हम नहीं करते। तो इस मैटर में जो है पहली बार तो मैंने कॉन्टेक्ट नहीं किया और दूसरा मुझे कॉन्टेक्ट करने का अधिकार भी नहीं है। हम लोग जो है उनके जब मैटर आते हैं तो मैटर टू मैटर हम लोग वर्क करते हैं, कोई रिटेनर नहीं है कि भाई उनका एक बार मैटर ले लिया तो हम उनके साथ बंधे हुए हैं। और दूसरा मुझे ऐसा कोई क्रेज भी नहीं है कि हाँ भाई मैं सनी देओल का वकील हूँ ताकि उसके साथ ही कंटिन्यू रहूँ और वो लेवल चलता रहे। तो मैटर टू मैटर होता है, पहले जितने मैटर मैंने किए हैं उनके वो जेन्यून थे। आपको शायद ख्याल होगा मैंने उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रेडियो क्लब में, जहाँ उनके फादर के नाम से कौन सा चैनल था वो FM का, जहाँ उनके फादर के लिए काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा था। और उसके बाद में जो है इमीडिएटली जो है आई सब्जेक्ट टू करेक्शन बहुत ही टॉप ग्रुप का चैनल था और उन्होंने बैठ के माफ़ी मांगी और पूरा पोजीशन हटाया उन्होंने। तो जहाँ सच्चाई है हम डेफिनेटली उनके लिए खड़े, पर आई वर्क ऑन मैटर टू मैटर बेसिस, आई एम नॉट अ रिटेनर टू यू। सुनील जी, ऑब्वियसली आपने कहा कि धर्म जी के बारे में आपको बोले हैं, कभी आपने कोशिश की कि उनसे बात करने के लिए धर्म जी के लिए क्यों सनी जी ऐसा कर रहे हैं? ये वो चैप्टर है जो चैप्टर है जो उनकी बुजुर्गता बुजुर्गी देखते हुए मैं बात नहीं करना चाहूँगा। हालांकि मेरे दिल में जितनी तकलीफ है वो मैं आपको भी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन क्या है, हमने मैं ऐसा समझता हूँ एक सीनियर के बारे में मैंने बात करना चाहता हूँ। सर मैं आपको एक तो प्रोड्यूसर गए थे धर्म जी के पास ये बातें लेके, धर्म जी ने अपनी मजबूरी बताई और साथ में ये कहा कि उसका जो भी प्रोफेशनल काम है उसके अंदर मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता, तो कृपया उसकी बात जो है मेरे सामने मत करिए। सर एमपी शब्द का जिक्र किया गया, मेरा एक्सपीरियंस वो नहीं है। सर एमपी शब्द का जिक्र किया गया था क्योंकि अब वो नहीं है, इस बार वो नहीं लड़ रहे, तो इतने साल से जो कुछ नहीं हो रहा था कि आपके हिसाब से जो वो क्या अपनी पॉलिटिकल मसल भी कुछ वो फ्लेक्स कर रहे थे इस मैटर में? इस बात पे तो मैं कमेंट के, एमपी तो 5 साल ही था ना, 19 से 24 राइट है। लेकिन मेरा किस्सा जो है वो तो 1997 का है, लेकिन उस वक्त एमपी होंगे क्या है, स्टार पावर एक चीज होती है वो बहुत बड़ी होती है। अगर आपके सीनियर्स हो जिनकी PR एक्सरसाइजेस रिमार्केबल हो, जिनके बारे में 50-50, 60-60 साल से generations of reams of papers have been written of proving you to be soft, wonderful sons of the soil image, उसको disturb करना अच्छा नहीं होता। जो producer fraternity आप खुद भी उसके हिस्से हो, producers association के, क्या उन्होंने कभी भी इस matter को लेके? नहीं, producers association में गया था आई थिंक 1999 या 2000 के करीब, और उसने उन्होंने उनके खिलाफ मुझे अवार्ड दिया था, लेकिन उस अवार्ड के खिलाफ ये कोर्ट में चले गए थे क्योंकि वो समझते थे कि तारीख पे तारीख लगाना होगा। सुनील जी मेरा सवाल आपसे है, बॉलीवुड की बात की जाए तो सारा खेल यहाँ पे भरोसे का, विश्वास का, ट्रस्ट का है। सलीम जाना जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, इसके बावजूद जो इस तरह से वो काम करते हैं, आपकी मंशा क्या मानते हैं आप
क्योंकि वो खानदानी पैसे वाले ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की किसी चीज की कमी है, तो क्या आप मानते हैं नियत की कमी है? मैं तो यही कहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस अपने लाइफ का, मेरी जिंदगी को जो है ना खराब करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले, अगर कोई लोगों में नंबर वन नाम लूं तो उसका नाम सनी देओल है। क्योंकि एक करियर होता है जिसको बिल्ड करना कितना मुश्किल काम होता है सर यहाँ पे, और मैंने उनके ऊपर अत्यंत विश्वास रखा। मैं जानता हूँ, मैं ऐसा समझता था भाई कुछ और हीरोज उस जमाने में होते थे, उनसे मैं समझता ये अच्छे बैकग्राउंड का है, एक क्लासी आदमी होगा, लेकिन क्लास अच्छे कपड़े से नहीं बनता सर, क्लास अच्छे विचारों से बनता है, अच्छे कर्मों से बनता है। और वो अनफॉर्चुनेटली जो है उनके कैरियर पे कोई असर नहीं पड़ा, क्या वजह मानते हैं? गदर 2 जैसी सक्सेस फिल्म उनको मिल गई और अभी भी कई प्रोड्यूसर्स उनके घर के चक्कर काटते हैं, क्या कारण मानते हैं सर आप? मेरे इल्जाम लगाने या ना लगाने से लोगों को पता ही नहीं चला, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1100 लोग में से जो है किसी को शायद पता ही नहीं था मेरा किस्सा, जो उससे 15 साल पहले से प्रिंट मीडिया में, फिल्म फेयर में, जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें, कोर्टों के जो भी रीम्स होते हैं उसमें होता है। लोग यहाँ पे अब शायद इतने सेल्फ हो सकता है, उनको पता ही नहीं चलता था सर, लोग यकीन। अब क्या है, हमने इमेजेस बनाई हो सर, हमने वो फिल्में बनाई हैं जिनसे इनके इमेजेस बनते थे, और वही इमेजेस जो हैं हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाते हैं सर। सौरभ जी, आप और सुनील सर, आप और मैं चाहता हूँ कि जो और प्रोड्यूसर इनके साथ ऐसा हुआ है, क्या आप लोग साथ मिलकर कुछ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए, क्या लगता है? देखो मैं तो ऐसे, हम लोग अभी उनको जोड़ रहे हैं हमारे साथ, एक एक करके हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। अभी तक जो एक हुआ था, जैसा कि एक अभी प्रोफेसर पूछा था कि कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या कुछ है, आज तक जो है कानून एक नया स्टेटस जो है वो पकड़ के चल रहा है, सेलिब्रिटी स्टेटस। एक पिक्चर अभी आई है अल्ट्रा पे, आपने शायद देखी हुई, न्याय द जस्टिस, जिसमें सुशांत की कहानी को जो है एक इंस्पायर होकर बनाई गई है। उस पर उनके फादर ने केस किया था दिल्ली हाईकोर्ट में, और वहाँ पहली बार जो है ये एक फैसला आया है कि देर इज नथिंग लाइक सेलिब्रिटी स्टेटस, ऑल इंडियंस आर इक्वल, आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि इसको सेलिब्रिटी स्टेटस आप दे सकते। मगर आज तक जो है वो सेलिब्रिटी स्टेटस जो है, डेफिनेटली आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा कि अगर एक कोई आर्टिस्ट आ जाता है और उसका अगर कोई केस आता है तो मीडिया जो है उसके पीछे पीछे भले ही गाड़ी के साथ साथ भागना पड़े मगर भागते हैं, तो ये एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है और डेफिनेटली पड़ता है। सौरभ जी, इतना बड़ा क्लेम किया आप लोगों ने जो जो कहा है, सीधी सी बात आपके पास प्रूफ है, तो आपको क्या हल्का भी या किसी तरह का डर ऐसा है कि आपको लगे इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है आपके खिलाफ भी? नहीं, मेरे को तो कोई फियर नहीं है क्योंकि मैंने तो उनके साथ कोई गलत नहीं किया, मैंने तो उनको कोई कैश पैसा नहीं दिया, सब अकाउंट से पैसा दिया है, और जो सब मेरे पास एग्रीमेंट्स हैं, उनकी मेल्स हैं और वो सब चीज़ें हैं, तो मेरे को तो कोई फियर नहीं है उनसे, इसीलिए मैंने डाला। जब समझा सारी चीज़ों को, मैंने भी कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया, जब मैंने इतना अपना लॉन्ग पेन देखा और उसके बावजूद उनकी, सन्नी जी के दो चेहरे हैं, एक जो सेलिब्रिटी का चेहरा है जो आपको सब लोगों को मार्केट में ज़्यादा नज़र आता है, बट उसके जो पीछे का चेहरा है वो उनको नज़र आता है जो उनके साथ काम करते हैं, जिनका डे टू डे कुछ लगा हुआ है या उनका पेन है, उनको ना इजी अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे भी आ जाए, कैसे भी उनको पैसा चाहिए, और वो इस बात में कहीं पर भी किसी चीज़ में ये छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मान लो यदि उन्होंने मेरा काम नहीं करना था, उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मेरा आर्टिजस क्यों नहीं किया आज तक, बताइए? हम बिल्डर हैं, फ्लैट बनाते हैं, हमें कस्टमर कहता है कि मेरे को फ्लैट पसंद नहीं है, हम उसको इंटरेस्ट लगा के पैसे वापस करते हैं ना, या कहते हैं तेरे को प्रॉपर्टी नहीं पसंद है, अपना एक आदमी लगाते हैं सेल्स का, उसका भैया फ्लैट बिकवा दो, घाटा होगा तो हम देंगे, फायदा है तो उसका है। उन्होंने तो नहीं किया आज तक भी, उन्होंने मेल लिखा मुझे, वो तो सिर्फ एक उनकी स्ट्रेटजी है कि एक बहुत बड़ी टीम, जो सुनील दर्शन जी ने कहा कि उनके नीचे काम करती है, वो सिर्फ एक तो गैप बना के रखते हैं, यदि उनकी टीम से 10 बार हमारा बंदा मिलता है तो वो कहीं जाके साल भर में एक बार हमसे मिलते हैं और उस दिन इतना बड़ा लॉलीपॉप देते हैं कि अब तो ये हो जाएगा, तो आदमी सोचता है यार चलो ये हो जाएगा, इतना बड़ा आदमी कह रहा है मान जाता है, ठीक।
कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं, जैसे किसी की एज ज़्यादा हो गई, किसी को ये लगता है यार मेरा, मैंने इनसे पंगा लिया तो मेरी दूसरी वाली पिक्चर में भी दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा सा ना यहाँ क्या है कि मतलब लाइन ऐसी है, क्योंकि इसमें बंदे को काम करना है, बंदा बैठ गया कुर्सी पे आके और वो काम ना करे तो प्रोड्यूसर का तो पैसा लग रहा है डेली, उसका तो पर डे के हिसाब से पैसा है। हम इस इंडस्ट्री से नहीं थे, हम ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से काम करते हैं, हमारा सिस्टम वही था कि हमने एग्रीमेंट बनाने हैं, पैसे देने हैं। जैसे सुनील दर्शन जी ने कहा, हमारा कोई उनसे दोस्ती का रिलेशनशिप नहीं है, हमारा दोस्ती हो जाती है बिजनेस करते करते, दोस्त भी बन जाते हैं, बट हम प्रोफेशनल वर्किंग वाले आदमी हैं। हमने अपना पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम से उनके साथ काम किया, जो कि उसमें उनका 100% से ऊपर ज़्यादा फेलियर है। मेरे पास सब मेल्स हैं उनकी, कोई वो किसी चीज़ को डिफीट नहीं। अभी उन्होंने एंड में क्या किया, 55 लाख रुपए लेके उसका एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेरा पैसा फोरफिट हो गया, 9 अप्रैल को मेरे को एक GST का बिल बना के भेज दिया फ्यूचर फिल्म का। बताइए क्या है ये? वो सिर्फ नए आदमियों को, उनको ये पता है कि भी मेरी एक स्टार है, मेरी एक फॉलोइंग है, उसको वो कैश कर रहे हैं पीछे से। कि भी हर आदमी सोचता है यार क्यों इतने बंदे से क्यों बिगाड़े यार, चलो दो चार साल में काम हो जाएगा, अपना आदमी ये सोच लेता है। बट लेकिन हमारा तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, 8 साल हो गया आज। हमने एक प्लॉट बेचा था जब यहाँ पर काम किया था, वो प्लॉट उस टाइम पे 12-12.5 करोड़ का था और आज की डेट में वो प्लॉट 100 करोड़ का है। और उन्होंने तो पैसे भी इंजॉय कर लिए, पैसे भी हमारे, दुनिया को पैसे भी बंटवा दिए हमसे, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो। तो हम तो इसमें लीगल वे से ही जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको कम से कम इतना तो पता चले कि भी हम किसी के साथ गलत कर सकते हैं तो कई बार चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती है। हमेशा ये नहीं है कि वो जैसा ड्रिवन करेंगे वैसा हो जाएगा। सुनील जी, एक आखिरी सवाल, जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है या सिंटा है या फिर MWIC है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स है ऑफ एक्सटॉर्शन और फ्रॉड, तो क्या कुछ इन संस्थाओं में कोई ऐसा प्रोविजन है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाते तब तक सनी देओल के ऊपर एक काइंड ऑफ बैन लगा दिया जाए कि उसको कोई काम ना दे, ऐसा कोई प्रोविजन है? सनी देओल एक अकेला आदमी नहीं, सनी देओल एक बहुत ही बड़े फैले हुए फैलाव होता है ना फिल्म इंडस्ट्री में पावरफुल लोगों का, उनके जो टेंटिकल्स हैं बहुत लंबे फैले हुए हैं, फलाने का फलाना, वो फलाने का फलाना, ऐसे करके। और वो सब जो है वो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं इस फिल्म सिंटा, जैसे आप बोल रहे हो वहाँ के। तो मेरा तो ख्याल नहीं कि सिंटा में जब तक कोई बहुत समझदार लोग नहीं होंगे तो उनका इन्फ्लुएंस का जो अबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आप उनसे उम्मीद रखना जो है, उनकी भी कोई लिमिटेशंस होंगी या मजबूरियां होंगी शायद, जो लोग वहाँ कुर्सी पर बैठते हैं। सुनील जी, यहाँ पर आपके लिए सर थोड़ा सा मैं डिफर करूँगा एक सर इनकी बात से, सिंटा में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, परंतु चूंकि मैं इम्पा का लीगल एडवाइजर भी हूँ तो इम्पा ने जो है इस बात को कंसिडर करते हुए अपने बायलॉज में अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट के तौर पर जो है जैसे सुनील जी का अवार्ड हुआ वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि उस वक्त जो उनके बायलॉज में कहीं ना कहीं करेक्शंस थे। हमने उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए उस बायलॉज का करेक्शन किया, जनरल बॉडी में पास करवाया, और आज की तारीख में इम्पा के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो अगर उसको रोक नहीं सकते तो कोई बात नहीं, अपने प्रोड्यूसर मेम्बर्स को रोक सकते हैं कि आप इससे कोई काम नहीं करोगे। आपको शायद ख्याल होगा जब संतोष सिंह जैन जो है वो ऑल इंडिया को डिपेंडेंट करते थे, हालांकि थे CCCA से, तो उन्होंने एक रूल बनाया था कि एक आर्टिस्ट जो है साल की 2 पिक्चरें या 3 पिक्चरें ही साइन कर सकता है, हमारे परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो वैसा क्लॉज हमने उसमें डलवाया है, अगर इम्पा किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकती नॉन मेंबर को, तो कम से कम इम्पा ये ऑर्डर पास कर सकती है कि उनके मेंबर्स या उनसे एफिलेटेड जितने एसोसिएशन हैं वो मेंबर्स जो हैं उनको काम पर नहीं लेंगे। तो डेफिनेटली वो प्रोविज़न अब ये 3 साल पहले ही जो है वो किया गया है। सर
आपने बहुत बार ट्राई की होगी जैसे इतने सालों से आप कर रहे हो, पर जस्ट बिफोर दिस गोइंग टू प्रेस उनसे एक बार कोई मुलाकात करने की बात की, क्योंकि हमें होता है कि भाई यार एक बार देखो दिस इज द लास्ट अल्टीमेट हर कोशिश हर कोशिश 25-27 कितने साल हो गए 1997 से आज तक 27 साल हो गए ना जी, 27 साल में कितने बार कोशिश की होगी इस तरह का जितना मैं अपने आपको बेइज्जत करा चुका हूँ और करने की काबिलियत नहीं रखता, आप समझे उनका भी सिस्टम है कि पहले एक लेवल पे दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर सेकंड लेवल पे दरवाजा हो जाए बंद हो जाएगा, और फिर फाइनली जो होता है बड़ा गेट ही बंद हो जाता है, आप समझे। किससे लड़ रहे हो ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। हम मैं तो अपने आपको इस फिल्म इंडस्ट्री का ही पैदा भी गया हूँ और यही बनूंगा श्योर से। अशोक जी मेरा एक सवाल है, सनी देओल जी ने अदालत को लेके एक बहुत फेमस डायलॉग बोला था, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, आप इस केस को लेके कितना आगे तक जाएंगे, कब तक तैयारी आपको केस वो उस वक्त की परिस्थिति अलग लागू भी हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली उस वक्त की परिस्थिति अलग थी, अब जो है काफी परिस्थिति चेंज हो गई है, कोर्ट जो है काफी मैटर जो है फास्ट ट्रैक पे ले रही है, और अगर आप पहले का डिस्पोजल देखेंगे हाईकोर्ट के बाहर आप जाते होंगे अब वहाँ डिस्प्ले बोर्ड रखा हुआ है कि कितनी न्यू फाइलिंग हुई कितने डिस्पोजल हुए, अगर वो आप एवरेज निकालेंगे तो अभी काफ़ी मूवमेंट फास्ट है, अगर हम थोड़ा सा परस्यूट करते हैं मैटर को तो डेफिनेटली जो है वो मैटर्स टेकअप होते हैं और हीरिंग होती है। आज छुट्टी की बेंच है मगर छुट्टी की बेंच में भी तीन बेंच बैठी है, दो डिविजन बेंच बैठी है, एक सिंगल जज बैठे हैं, और हर एक के सामने जो है करीबन 60-60 मैटर लगे हुए हैं, और वो शाम को जब तक पूरे मैटर की सुनवाई नहीं होगी तब तक बेंच लगी रहेगी, तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। काफ़ी बेंचेस हाईकोर्ट के अंदर जो है रात को 8 बजे तक बैठती है, स्पेशली जो क्रिमिनल्स एक्ट की बेंचेज हैं और सिविल में जिनको अर्जेंट ऑर्डर्स की बेंचेज जो हैं वो 7 बजे 8 बजे तक बैठती है। हाँ वो इतना जो एडवोकेट्स को कहते हैं कि अगर आपको नहीं चलाना है हमारे सामने बियॉन्ड दी पीरियड तो आप अपना नंबर जो है रजिस्ट्रीदार को दे दो, आपका मैटर नहीं टेकअप होगा, यानी ऐसा नहीं कि हम आपको जबरदस्ती 8 बजे तक रोक दें, मगर हम केस डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं और इसलिए कोर्ट जो है 8 बजे तक काफ़ी बेंचेस बैठ रही है, तो अब वो परिस्थिति नहीं रही, अब काफ़ी परिस्थिति में चेंज आया है और काफ़ी फास्ट मूवमेंट चल रहा है। आपको लगता है केस फास्ट ट्रैक में जाएगा और जल्दी सुनवाई हो पाएगी? डेफिनेटली जाएगा, अगर रीओपनिंग के बाद में जो है इसमें थोड़ी मेहनत की जाए, एक दो बार मेंशन किया जाए तो डेफिनेटली फास्ट ट्रैक पे जा सकता है। और जहाँ तक सौरभ जी का है, क्योंकि ये तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है तो ये डेफिनेटली बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे चलेगा। सर अगर जो है अगला जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सरी जी लेते हैं तो क्या आपके द्वारा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी? सर अगर वो लेते भी हैं तो किस मुँह से लेते हैं, क्या वो कह सकते हैं हमने पैसा नहीं लिया, क्या वो कह सकते हैं हमने पैसा नहीं खर्चा कराया? आज किसी इंसान का 25 करोड़ जीरो कर दो तो आप किस मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे? मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना गट्स है कि 25 करोड़ हजम करने के बाद भी वो जनता के सामने आके प्रेस के सामने कोई सवाल के जवाब दे सके। और जो केसेस की बात में केस जो 25 या 30 के आसपास जो पेंडिंग है, क्या लगता है ये केस सॉल्व हो जाएगा? डेफिनेटली होगा, अब टोटल फास्ट ट्रैक पे चल रहा है काम और बिल्कुल होगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंटा में डेफिनेटली ये एक सिस्टम है, मगर अब की बार जो इलेक्शन जो है जहाँ तक मुझे ख्याल है आपके इलेक्शन में पूरी नई टीम आई है और मैं होप करता हूँ कि नई टीम जो है वो डेफिनेटली सबके इंटरेस्ट में काम करेगी। बाकी इम्पा में जो है ऐसा कोई पार्शलिटी नहीं है, ना ही वेस्टर्न इंडिया में कोई पार्शलिटी है और ना ही बाकी जो प्रोड्यूसर्स की बॉडी है वहाँ कोई पार्शलिटी है। पर सर वो स्टार से वो लोग तो कमजोर ही होते हैं ना, अगर वो पूरी एसोसिएशन भी मिला ले तो वो स्टार से तो कमजोर ही है, तो क्या उनसे एक्चुअली कर पाए, ऐसा होता है ना? नहीं नहीं वो वक्त गया, आप जब वो स्टार जो है आपको ब्लैकमेल कर दे,
एक टाइम था जब आपको ख्याल होगा घर में बेटी होती थी तो फादर मदर दोनों नर्वस हो जाते थे, और तभी प्रोड्यूसर्स की हालत जो है वो बेटी के बाप की होती थी कि पैदा होते ही जो है उसके लिए सब जगह चक्कर काटते हैं। तो उस वक्त प्रोड्यूसर्स की हालत ये थी कि वो पहले पिक्चर बनाने के लिए स्टार्स के आगे पीछे घूमे, क्रू मेंबर जो हैं डायरेक्टर उसकी सुने उसकी सुने, और जब पिक्चर बन जावे तो डिस्ट्रीब्यूटर के आगे पीछे घूमे, और फिर अगर थोड़ी देर बाद आपको मिले पहले कहते थे आउटडोर कर रहे हैं, फिर बोलते थे इनडोर कर रहे हैं, और फिर लास्ट में बोलते हैं हम डोर टू डोर कर रहे हैं। अब वो जमाना गया, अब प्रोड्यूसर भी जो है जो पैसा लगाते हैं वो डेफिनेटली वो अपने आप को समझ के चलते हैं कि नहीं। और जब से थिएटर आर्टिस्ट जब आ गए हैं इस लाइन में, अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर थिएटर आर्टिस्ट जो आ गए हैं वो इतने डिसिप्लिन है कि कोई हद नहीं उसकी। सुनील जी, आप सहमत है कि जितनी बड़ी एसोसिएशन है फिल्म इंडस्ट्री की, चाहे वो इफ्टा हो, सिंटा हो, इम्पा हो, बड़े आर्टिस्टों के सामने कमजोर पड़ जाती है और छोटे लोगों को दबा देती है? मेरे तजुर्बा मेरे किस्से में जो होगा ना उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगा। फिर भी आज तक का जो अनुभव रहा है फिल्म वालों का या मीडिया का कि छोटे आर्टिस्ट बेचारे दबते हैं, बड़े आर्टिस्ट जीता नहीं हूँ लेकिन अभी तक निराश है, उम्मीद है। सर ये पूरा मामला क्रिमिनल मामला है, आप कह रहे हैं क्या इसके लिए आप मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुंबई के गृह मंत्री या फिर सनी देओल भाजपा से जुड़े हुए रहे, सांसद रहे, भाजपा के बड़े नेताओं से उनको मिलकर भी बताने की कोशिश करेंगे? सर देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता, चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के हों कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर लोकल पुलिस स्टेशन में कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली हम इसको आगे तक लेके जाएंगे, और कहीं भी जरूरत पड़ी तो हम इसको कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल करके और सक्सेस लेंगे। अशोक सरोगी जी, इंटेंशंस और उनके जो ब्रीफ जो उन्होंने दिया है और उस पर ही चल के ताकि आने वाले कल में जो टॉर्चर, जो इतने ग्रीवियंसेस हैं एक्टर्स से, जो चलो हम लोग तो फिल्म लाइन में फिर भी भाई चलते रहे, कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके ऐसे पैसे बांटे हैं जैसे इन्होंने बांटे, राइट है, और फिर उनको चले जाना पड़ता है निराश होके, तो हम इस इंडस्ट्री का रेपुटेशन भी तो कुछ मैटर करता है कि नहीं करता सर? और ये चंद लोग होते हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं, सब नहीं है ऐसे, काफ़ी टॉप में आज भी उनका नाम है। ऐसे ही जनरल बात हो रही थी मेरी, तो बोलते हैं अशोक जी है क्या, बम्बई में इतनी ट्रेन आती है, इतनी फ्लाइट आती है, लाखों लोग उतरते हैं, उसमें से आपको एक ही आदमी तो रोज का पकड़ना है, वो एक आदमी भी पैसे डाल के जाएगा तो बहुत है, हमारी इंडस्ट्री चलती रहेगी, तो ये तो इनकी थिंकिंग है, अब इससे आगे क्या हो सकता है। और एक क्रेज जो होता है ग्लैमर का क्रेज, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंस जाता है।